यहाँ लिखा नेगेटिव रियल पार्ट है ना, रियल। अच्छा आप बोल रहे हैं ए आंसर है ना, गलत है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है? नहीं बेटे, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, तो सी बाय क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। डी दिल्ली, नन ऑफ द वो। देखो डी भी गलत है ना, डी भी गलत है, ए और डी गलत है ना। देखो ए और डी गलत है, उसके बाद डी देने का तो कोई मतलब औचित्य रह ही नहीं जाता है। ठीक है सर, बी बॉम्बे ना, ट्राई करते हैं। दे हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, हैव पॉजिटिव रियल पार्ट्स। देखो रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव, ये कहना तो गलत हो जाएगा ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो ले लो, ठीक है ना। एबीसी तीनों पॉजिटिव है, रूट्स रियल आई नहीं है, तो रूट्स रियल कहना तो गलत हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, रूट्स रियल कहना गलत है। तो आर रियल एंड नेगेटिव, ये ऑप्शन गलत हो गया, रियल नहीं होंगे, जरूरी नहीं है रियल हों। ठीक है सर, तो अच्छा नेगेटिव रियल पार्ट पॉजिटिव। अब रियल पार्ट की बात करते हैं, रियल पार्ट क्या होता है? जैसे मान लो x इक्वल टू लिखा है, अभी मैंने आपको बताया ना टू प्लस आयोटा, तो यहां पर क्या टू जो है वो रियल पार्ट है, और आयोटा से जो चीज मल्टीप्लाइड है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि नेगेटिव रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी रियल पार्ट आएगा। तो आप लिखो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई टू है, तो रियल पार्ट ना अगर इमेजिनरी आए भी होंगे तो रियल पार्ट जो है कहां से आएगा भाई? बी बाई टू से आएगा, ठीक है ना। ऐसा अगर रूट इमेजिनरी आए भी होंगे तो रियल पार्ट क्या होगा? माइनस बी बाई टू है, तो बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो माइनस बी बाई टू है कितना हो गया? नेगेटिव आ गया। तो रूट्स हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, इतना तो आप कह ही सकते हैं कि रियल पार्ट तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, हमेशा नेगेटिव आएगा रियल पार्ट, पॉजिटिव रियल पार्ट नहीं होगा। वो अपने को दिख ही रहा है यहां से, बहुत सिंपल है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बॉम्बे।